एक जगह रखा, हाँ किट्टू अकेले है। आराम से अरे यार ऐसे करवा धूल दूर पक बस्करी बस्करी दो मिनट बस्करी एक का चीज बा होना और कुछ में होने खासियत गुड़िया के रखे एक जगह तो दोस्तों आपने पहले वीडियो में देखा था कि हमने किस तरह से रहर की कटाई की है। अब इसमें ये देखिए ये रहट्ठा है और ये अरहर है, ये जो सूख गया है धूप में जो लगने की वजह से, ये है जो ये देखिए ये पूरी तरह से सूख चुका है और ये है रहा इसका बाल। 5 से 6 दिन तक ये धूप में था, उसके बाद अब ये पूरी तरह से सूख गया है और ये जो है ये उसका छिम्मी कहलाता है। इसमें आप रहर देखेंगे, रहर के जो दाने होते हैं आपको दिखाता हूँ, ये देखिए ये है अरहर, ये आप अगर इसको गौर से देखें तो ये अरहर है। अब इसको जो निकालने का प्रोसेस है वो ये है, ये देखिए ये पीटा जा रहा है यहाँ पर, ये पीटने के बाद कुछ हम लोग इसको पीटेंगे और ये जो है ये एक तरह से ये इसका भूसा और ये दोनों मिक्स हो जाते हैं, इसको हम लोग बाद में छांट के अलग कर लेंगे। ये देखिए जो इसका ये भूसा रहेगा, इसे जो है ये भूसा यानी ये पत्ता ही जो रहे निकलेगी, ये पशुओं के लिए रहेगा, इसे पशु जो है पशु खाएंगे और इसके बाद जो इसका दाना रहेगा उसे हम लोग छांट के बिल्कुल जो है पूरी तरह से अलग कर लिया जाएगा। तो यह जो पूरा प्रोसेस आप देख रहे हैं यह है किस तरह से अरहर से अरहर के पौधे से दाल निकालने का जो प्रोसेस है, ये देखिए उसको पीटना पड़ता है जिससे कि वो अलग हो सके। और यहाँ पर आप देखिए ये रहट्ठा है, ये अलग हुआ पार्ट है। बस खत्म हो गया, ये वो एक बुझा।
तो आशा करता हूँ कि ये वीडियो आपको अच्छा लगा होगा दोस्तों। इसको लाइक करिएगा, शेयर करिएगा और सब्सक्राइब करिएगा। फिर मिलते हैं आपसे किसी नए अगले वीडियो में। इजाज़त दीजिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सभी का।